नमस्कार दर्शकों, मैं सर्वांग जी आज आपके लिए लेकर आया हूँ नवरात्रि विशेष। दोस्तों, नवरात्रि है क्या? सबसे पहले इस बात को थोड़ा सा समझेंगे। जब कभी भी संधि काल होता है तो ये ऋतुओं की संधि है। जब दो ऋतुओं की संधि होती है तो उस समय एक ऊर्जा विशेष उत्पन्न होती है और उसके 9 दिन होते हैं। और वो ऊर्जा साधकों के लिए, वो जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, वो साधना के पथ पर बहुत मदद करती है। और जो दो प्रमुख नवरात्र होते हैं हमारे यहाँ, एक वासंतिक नवरात्र जो मार्च अप्रैल महीने में होता है, और दूसरा शारदीय नवरात्र जो सितंबर अक्टूबर के महीने में पड़ता है। ये दोनों समय दिन और रात का पैमाना लगभग बराबर होता है, इस समय विशेष है। इसके अलावा दो गुप्त नवरात्र होते हैं जो एक आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक होता है और दूसरा माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक। ये साधकों के लिए और भी विशेष, तो दो प्रत्यक्ष नवरात्र और दो गुप्त नवरात्र। ये उसी प्रकार है जैसे एक दिन जब रात जा रही होती है और सुबह भोर हो रही होती है, उस समय भी संधिकाल होता है, उसे प्रातःकालीन संध्या कहते हैं, तो वो समय भी साधना के लिए उत्तम माना है, तो वो प्रत्यक्ष है। और उसी प्रकार से शाम को जब दिन ढल रहा होता है, सूर्य अस्त हो रहा होता है और निशा पति चंद्रमा उदय हो रहे होते हैं, तो वो जो संधिकाल होता है वो भी साधना के लिए विशेष है। तो ये दिन के एक्सट्रीम दो संधिकाल हुए और दो फिर से साधकों के लिए विशेष संधिकाल। एक मध्य जो दोपहर का समय है, मध्यकाल 12 बजे दोपहर का, और एक रात्रि 12 बजे जो तुरीय संध्या का काल है, ये दो साधकों के लिए विशेष काल है। तो ये एक दिन में भी 24 घंटे में दो गुप्त साधना के काल और दो प्रत्यक्ष सबके लिए साधना के काल। और इसी प्रकार जब कोई भी साधना होती है तो जो छोटे अनुष्ठान होते हैं वो इन 9 दिनों में करना बहुत संभव होता है। किसी भी मंत्र के जितने भी अक्षर होते हैं, नवरात्रि वो समय है जिसमें आप कोई भी मंत्र, कोई भी साधना आपकी है, आपके इष्ट कोई भी है, लेकिन नवरात्रि में आप उसको सिद्ध कर सकते हो, आप उसको पूर्णता उससे पा सकते हो। तो जिस मंत्र में जितने अक्षर होते हैं उतने 1000 का जप और उसका दशांश अतिरिक्त करना, तो वो 9 दिन में। तो इस प्रकार से किसी भी मंत्र का जाप आप नवरात्रि में कर सकते हो। नवरात्रि विशेष, इसमें देवी जी के 9 रूप होते हैं और उन 9 रूपों की चर्चा मैं क्रमशः करूंगा। और ये जो देवी जी के 9 रूप होते हैं, जो प्रकृति है, प्रकृति और पुरुष, प्रकृति ऊर्जा है, चेतना है ब्रह्मांड की, परमात्मा की, तो इसी चेतना के माध्यम से हम सब कुछ जानते हैं, इसी चेतना के माध्यम से हम क्रियाशील हैं। तो जो नवरात्रि के 9 दिन हैं वो 3 गुणों को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले जो पहले 3 दिन हैं वो तमोगुण को रिप्रेजेंट करते हैं। तमोगुण क्या है? निष्क्रियता, जहाँ से प्रकृति, जहाँ से ब्रह्मांड का जन्म हुआ विष्णु जी से, और विष्णु जी के माध्यम से ब्रह्मा जी जो उनके नाभि कमल में विराजमान थे, और वहाँ से जो मधु कैटभ का वध हुआ, तो जड़ से चेतन की तरफ हम धीरे धीरे, तो जब जड़ था इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, तो वहाँ से, तो वो 3 दिन पहले जिसमें मधु कैटभ इत्यादि का वध भगवान नारायण करते हैं, तो वो वहाँ पर। और उसके बाद के जो बीच के 3 दिन हैं वो महालक्ष्मी के दिन हैं, ये सक्रियता के दिन हैं, पूरी तरह से जो ब्रह्मांड का बड़ी तेजी से विकास होता है और उसमें सक्रियता इसमें है, और ये महिषासुर का वध इसमें मुख्यतः होता है। और जो फिर आखिरी के 3 दिन हैं, यानी उसमें चंड मुंड और शुम्भ निशुम्भ का वध होता है, इसी में रक्त बीज इत्यादि जो बड़े दैत्य हैं उनका वध होता है, ये क्रमशः तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। इसमें महासरस्वती का ये काल कहलाता है जो आखिरी 3 दिन है, और इसमें इसे परिवर्तन बोलेंगे, और परिवर्तन से ही क्रिएशन होता है और ज्ञान होता है और सारा विस्तार, फिर प्रकृति पूरी अपने आप में आ जाती है। तो इस प्रकार से, और इस संपूर्ण व्यवस्था को समझने के लिए, इस 9 दिन की व्यवस्था को समझने के लिए, साधक व्रत करके, व्रत क्या है? आत्मनिरीक्षण, एक आंतरिक, एक इनर जर्नी है, एक अपने अंदर झांकना है, और अपने मूल स्रोत की तरफ वापसी का नाम। जब हम चेतना में मूल आधार से क्रमशः एक एक चक्र को ऊपर जाते हुए और सहस्रार से
उस प्रकृति और पुरुष को एकाकार कर लेते हैं उस पंचतात्विक सृष्टि से, अपने को उससे परे जाके, क्योंकि जो हमारे शरीर में मूलाधार मणिपुर अनाहत विशुद्ध ज्ञान, ये जो मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्ध, ये जो पांच चक्र हैं, ये पांच एलिमेंट्स को, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, तो पृथ्वी सबसे स्थूल है, जब जन्म होता है तो उस परमात्मा से आत्मा, आत्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, यही तो साइंस भी कहती। और जब साधक उस परम सत्ता में अपने को विलीन कर देना चाहता है, उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तो उसे उल्टा चलना पड़ेगा, उसे उसी मूल स्रोत की तरफ वापस जाना पड़ेगा। तो पृथ्वी जल में विलीन, जल फिर से अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु से आकाश, तो ये पांच तत्व, यही प्रपंच, प्रपंचात्मक ये प्रकृति है। और इसके परे जो ज्ञान है, जो आज्ञा चक्र है, वहां से गुरुपीठ है ये, यहां से ज्ञान प्रकट होता है, यहां पे शव रूपी शिव लेटा हुआ है, और मूलाधार से भगवती काली अपने समस्त प्रचंड रूप से हमारे जन्म जन्मांतर के पापों को जलाती चबाती हुई, इन सारे चक्रों का भेदन करती हुई ऊर्ध्वमुखी होकर के हमारे परम सुषुम्ना नाड़ी है, उसमें से जब ये ऊर्जा, जब ये चेतना ये आज्ञा पीठ में शिव से टकराती, वही काली का शिव पदाघात, वहां से प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है, वो है जिसे अर्धनारीश्वर कहते हैं। और फिर सहस्रार में जहां पे साक्षात वही नारायण है, जहां पर वो क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं, आप उसमें वैकुंठ में पहुंचकर भू भुआ स्व महा जनह तपह सत्यम सत्यलोक में जा करके और अपनी पूर्णता को यानी मोक्ष को, निर्वाण को प्राप्त करते हैं। इसी साधना के क्रम में, इसी त्रिदेवों के क्रम में, और उनकी तीन शक्तियां जो हम महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती बोलते हैं, इन्हीं देवियों का नवरात्रि में जो नौ स्वरूप है उसकी चर्चा आगे करें। नवरात्रि के मुख्यतः एक व्रत प्रमुख अंग है कि व्रत पूर्वक जो लोग व्रत ना रहें वो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि नौ दिन कोई भी भक्षा भक्ष जो खाने योग्य नहीं है, जो पीने योग्य नहीं है, यानी निरामिष सामिष आहार ना लें, घर में भी सामिष यानी नॉनवेज ना बने घर में, हालांकि ज्यादातर हिंदुओं के यहाँ, ज्यादातर सनातन धर्मियों के यहाँ ये काम होता है कि प्याज लहसुन तक नहीं बनता, तो कोशिश यही करनी चाहिए, और जो लोग व्रत पूर्वक रहते हैं वो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसमें पांच अंग होते हैं, एक कलश स्थापना, एक अखंड दीपक स्थापना, एक चंडी पाठ यानी सप्तशती का पाठ, एक कन्या पूजन और एक हवन, ये पांच अंग होते हैं। तो इसी के साथ इस अंक में इतना ही, नमस्कार।